थीफ स्टोरी, भोली और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये तीनों ही चैप्टर सीबीएसई में भी हैं और आरबीएसई में भी हैं। सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर द थीफ स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है, तो बेटा आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए बिना समय गवाए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और टेंथ के वीडियोस इसलिए बनाए जा रहे हैं आरबीएससी, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज आप टेंथ आरबीएससी के वीडियोस बनाइए, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी वीडियोस चाहिए तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, लेकिन आज के वीडियो में हम हाफ ऑफ द चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक दिन में ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता, बहुत बोर हो जाएंगे आप। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी नाम है हमारी कहानी का। तो क्या पढ़ने वाले हम इसके बारे में, हम इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे 15 वर्षीय लड़के की, जो कि बहुत ही कम उम्र से चोरी करना शुरू कर देता है। फिर वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो बिल्कुल उसका माइंडसेट चेंज कर देता है और वो चोरी का काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचता है। ओके, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बुक का पेज शो कर रही हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है आपको। ओके, तो चलिए। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अभी हमें बताया गया है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, एक युवा लड़का, मतलब एक जवान लड़का, जो कि अनिल का दोस्त बन जाता है। यहाँ पे अनिल हमारे स्टोरी कैरेक्टर है, उसी के बारे में बताया गया है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास कर लेता है एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी भी दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का उसके विश्वास को तोड़ता है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। ओके, तो कहानी में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो लड़का उसे धोखा देता है या वो लड़का सुधर जाता है। ओके, अभी हमें क्वेश्चन भी कुछ फाइंड आउट करने हैं। चलिए क्या फाइंड आउट करने हैं, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, स्टोरी में आई किसके लिए यूज किया गया है। वॉट इज He a fairly successful hand at, इस sentence का क्या मतलब है, a fairly successful hand at, okay? What does he gets from Anil in return for his work? उसको अनिल के लिए काम करने के बदले में क्या मिलता है। ओके, अब शुरू करते हैं। I was still a thief, अब जो है हमें जाहिर हो चुका है कि आया किसके लिए आया है, thief के लिए आया है। कहा गया है I was still a thief, मैं अभी भी एक चोर था। When I met Anil, जब मैं अनिल से मिला। ओके, मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, हालांकि केवल 15 वर्ष का था। I was an experienced and fairly successful hand, मैं अनुभवी था और चोरी में मेरा हाथ बिल्कुल ही साफ था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब कुश्ती का एक मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का था। अटॉल, एक लंबा लीन फेलो, एकदम पतला सा। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ऐसा लग रहा था कि उसको ना आसानी से फंसाया जा सकता है। काइंड, दयालु था एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और साथ ही में मेरे काम के लिए वो बिल्कुल ठीक था। ओके, अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अनिल का कैरेक्टर स्केच बताना है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ। ओके, ये आप कुछ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आई हैडन्ट हैड मच लक ऑफ लेट, लेकिन मेरा भाग्य इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं देरी करूं। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस युवा व्यक्ति का विश्वास जीत सकता हूं। You look a bit of wrestler yourself. तुम भी एक कुश्ती करने वाले से लगते हो, एक पहलवान लगते हो। I said, मैंने कहा, a little flattery helps in making friends. थोड़ी सी चापलूसी करने से दोस्त जल्दी बन जाते हैं। So do you? अब उसने बदले में मुझे क्या कह दिया, तो क्या तुम हो। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और जैसे ही उसने मुझे ये कहा कि क्या तुम हो एक रेसलर, क्या तुम पहलवान हो, तो ये बात तो थोड़ी देर के लिए मैं तो सोच में पड़ गया, क्योंकि उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा पतला था, और इतना कि उससे तो मैं कुछ ज्यादा ही पतला था। वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनयपूर्वक कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूं।
व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अब अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। मैंने जवाब दिया हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। अब हमें चैप्टर में हरि सिंह का वास्तविक नाम नहीं दिया गया है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, तो यहाँ पे हम हरि सिंह ही लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मेरा नया नाम मुझे किन से दूर रखता था? पुलिस से दूर रखता था, और साथ ही में मेरे पुराने काम देने वाले व्यक्तियों से, मतलब जिनके यहाँ मैंने पहले काम किया है, उन व्यक्तियों से भी मुझे दूर रखता है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है, Why did हरि सिंह टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ? हरि सिंह हर महीने एक नया नाम क्यों लेता था, या जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलता था तो वो अपना नाम बदलता क्यों था? ओके, तो आप ये याद कर लीजिएगा। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस वार्तालाप या इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल उन अच्छे तरीके से तेल लगे हुए पहलवानों के बारे में बात करने लग गया, जो एक दूसरे की तरफ घुरा रहे थे, एक दूसरे को उठक पटक रहे थे, उनके बारे में वो बात करने लग गया। आई डिडंट हैव मच टू से, अब मेरे पास तो ज्यादा कहने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ पे पूरी जो कहानी है वो कौन बयान कर रहा है? हरि सिंह बयान कर रहा है। अनिल वॉक्ड अवे, तो अनिल चला गया। आई फॉलो कैजुअली, तो मैंने भी उसका पीछा किया सहजता से। हेलो अगेन, उसने कहा वापस से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो मैंने अपनी सबसे आकर्षक रूप में उसकी तरफ मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। किसने कहा ये? हरि सिंह ने कहा, और किसको कहा? अनिल को कहा। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। हू सैड? अनिल सैड। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अब मैंने इस बात के लिए एक पल के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कि इस बार शायद मैंने अपने काम के लिए गलत व्यक्ति चुन लिया है। आई यस, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, अब उसने बदले में एक और क्वेश्चन पूछ लिया, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइक इट, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ पका सकता हूँ। चलो अब देखते आगे क्या होता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, वो जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में मुझे लेकर गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन वो खाना जो मैंने उस रात बनाया शायद बहुत ही ज्यादा भयानक रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने एक आवारा गली के कुत्ते को उसको दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे मना किया कि भाई तुम खाना रहने ही दो, रोज कुत्तों को खिलाने के लिए कहां से लाऊंगा मैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरे कान पे जूनी रहेंगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने क्या किया? फिर से अपने सबसे आकर्षक रूप में मैंने स्माइल किया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर उसके बाद ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पे थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और मुझे कहा चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write word sentences and to add numbers. उसके बाद उसने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखा देगा, वाक्य बोलना सिखा देगा, नंबरों को जोड़ना सिखा देगा। I was grateful, मैं कृतज्ञ था। I knew that once I could write like an educated man and there would be no limit to what I could achieve. फिर मैंने सोचा कि कोई भी सीमा नहीं रहेगी, अगर मैं एक बार एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह पढ़ना लिखना सीख जाऊं, रहना सीख जाऊं, तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और उसके बाद दिन में काम में आने वाली जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए मैं शॉपिंग पे चला जाता। यूजफुली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और मैं हमेशा क्या करता था, अक्सर क्या करता था, मैं एक रुपए का प्रॉफिट अपने पास रखता था। I think he knew I made a little money. मुझे लगता है उसे पता था कि मैं थोड़े बहुत पैसे रखता हूँ this way, इस तरीके से, but he did not seem to mind. लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि उसे इस बात से फर्क पड़ता है या उसे बुरा लगता है। अनिल made money by fits and starts. अनिल कैसे पैसे कमाता था? Fits and starts का मतलब होता है मैगजीन्स में छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखना। He would borrow one week. वो एक महीने एक वीक तो उधार लेता and lend the next week. और अगले ही वीक क्या करता, वो उधार वापस दे देता। He kept worrying about his next check.
वो अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता। बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही उसे चेक मिलता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और फिर आराम से ऐश करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, जीवन जीने का एक अजीब ही तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो एक छोटे से नोट के बंडल के साथ घर पे आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि उसने अभी एक पब्लिशर, एक संपादक को अपनी किताब बेची है। एट नाइट, और रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि वो मैट्रेस के नीचे, कंबल के नीचे या बिस्तर के नीचे पैसे रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग एक महीना हो गया। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने काम में आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ शॉपिंग में मैंने पैसे बचाए हैं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारे अवसर थे कि मैं कुछ भी कर सकता था, चोरी कर सकता था और भी ज्यादा पैसे निकाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक अतिरिक्त चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जब चाहूं जैसे चाहूं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं जितने भी लोगों से आज तक मिला था उनमें से सबसे ज्यादा विश्वास अनिल ने ही मुझ पर किया है। एंड दैट्स व्हाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसे लूटना सबसे ज्यादा मुश्किल था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज्यादा आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको तो लूटा ही जा सकता है या उसे लूटा ही जाना चाहिए। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज्यादा कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, और कभी कभार तो वो ये भी नोटिस नहीं करता कि वो लूटा जा चुका है या उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस तरीके से ना काम में कोई मजा नहीं आता है। वेल चलो अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय था कि मुझे कुछ वास्तविक कार्य करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि अभ्यास की हुए मुझे बहुत समय हो गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल, और आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, ये मुझे पैसे भी तो नहीं देता, मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है। स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, then you can tell us in the comment section and listen. Do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. और अगर आपके पास हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप जरूर